अगर जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी जातीय जनगणना नहीं कराएगी। बुलडेजर उनके घर पे चल रहे हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की है, उनके पोल चेक किए जाते हैं कि वहाँ पे कितने वोट मिले हैं, उनको चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद में फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई फर्जी तरीके से की जाती है और युवा अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, असली हिंदू समझ रहे हैं, जबकि उनकी जगह जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार इस देश में रखी गई है वो केवल सूत्र है। पैतृक संपत्ति है, जो उनकी पैतृक संपत्ति है, जो उनके दादा परदादा ने संपत्ति बनाई, ऐसी संपत्ति को कुरू किया जा रहा है। इस सरकार की पूरी मंशा है कि एक जात विशेष के लोगों को आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया जाए, उनको मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाए, इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाए कि वो आने वाले समय में फिर इतने ज़्यादा नतमस्तक हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़गाने लगे। लुलू मॉल है जो वहाँ पर बताया गया कि वो जो नमाज पढ़ रहे थे वो तो हिंदू हैं। देखिए, जहाँ नमाज पढ़ रहे थे वो हिंदू हैं, यही तो बीजेपी का एक कर्मकांड है। अगर कहीं पे कोई दंगा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग जाते हैं और वहाँ पर एक प्रायोजित ढंग से पूरा सुनिश्चित करके कार्यक्रम किया जाता है और उसको हिंदू मुस्लिम का जो है वो पूरी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि जाति दंगा पूरे प्रदेश में हो, जाति माहौल ख़राब हो, एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करने लगे, इस तरह से माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के। लुलू मॉल का जिस तरीके से यूसुफ जो उनके मालिक हैं उनके साथ तो योगी जी खुद बैठकर आते हैं, उद्घाटन करते हैं, फिर जो उन्हीं के जो हैं भगवाधारी वो आके वहाँ प्रदर्शन करने लगते हैं उन्हीं के खिलाफ। देखिए ऐसा है कि ये मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो इसी प्रकार का चरित्र है, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जाके माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वहाँ पे जाते हैं और दंगा फैलाते हैं और उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया जाता है। तो देखिए, ये उनका चरित्र कोई नया चरित्र नहीं है। बीजेपी आज पूरे देश के अंदर जो राज कर रही है, पूरे कई प्रदेशों में और देश के अंदर जो राज कर रही है, केवल इसी मुद्दे पर राज कर रही है। उनके ऊपर ना तो विकास की कोई बात है, ना वो नौजवानों की सोचते हैं, ना किसानों की सोचते हैं। और जो लोग वास्तव में जिनने वास्तव में कानून हाथ में लिए उनके घर पे बुलडेजर नहीं चला। मैं तो जिस जनपद का रहने वाला हूँ आपने मालूम है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ लखीमपुर का रहने वाला हूँ, बुलडेजर किन के घर पे चल रहे हैं? बुलडेजर उनके घर पे चल रहे हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की है, उनके पोल चेक किए जाते हैं कि वहाँ पे कितने वोट मिले हैं, उनको चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद में फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई फर्जी तरीके से की जाती है और उनको बेघर कर दिया जाता है। आज के नए भारत में बुलडोजर ही न्याय हो गया है क्या? अब ये देखिए, बुलडोजर सरकार कही जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का मैं तो सोचता हूँ कि दिल्ली में भी अभी कई आपके यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मैंने देखा था कि जो 70-70 साल से लोग रह रहे हैं, 80-80 साल से लोग रह रहे हैं, जो पैतृक जिनके आवास है उनके आवासों को भी ध्वस्त कर दिया गया। ना तो सरकार कोर्ट का आदेश मान रही है, ना किसी की दुख दर्द में उसको ये संपत्ति है कि अगर किसी बरसात का मौसम है। अभी मेरे जनपद में जो कार्रवाई की गई, मेरे ज़िले में जो कार्रवाई की गई है वो ऐसी कार्रवाई की गई है कि बिल्कुल सरासर फर्जी कार्रवाई की गई है। लेकिन ये दिखाया गया है कि एक जात विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनको मालूम है कि जात विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे तो जो 85% SC ST OBC लोग हैं ये खुश होंगे और हिंदू के नाम पे सब इकट्ठा होंगे और बीजेपी को वोट करेंगे। कार्रवाई की बात की, कार्रवाई से मुझे याद आया कि जिस तरीके से ऑल्ट न्यूज के जुबैर हैं उनको जो है फैक्ट चेकर कहा जाता है, लोग दुनिया जानती है, उन्होंने फैक्ट के साथ जो है नुपुर शर्मा की वीडियो वायरल की थी, लेकिन जिसने बयान दिया वो खुलेआम घूम रहा है और जिसने उस चीज को वायरल किया और हकीकत दिखाई तो उसको अदालतों में पेश किया जा रहा है, लगातार जो है कस्टडी में रखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यह धन्यवाद दे दूं कि जब से सोशल मीडिया पूरे देश के अंदर चालू हुई है, छोटे छोटे आप लोग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जो जनता तक बात पहुँचाते हैं, ये मैं जानता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया का जब से युग आया है तब से मैं मानता हूँ कि इस देश के अंदर भगवान बुद्ध ने पुनः जन्म ले लिया है।
बाबा साहब का पुनः जन्म हो गया है। नहीं तो जो चौथा स्तंभ है देश की मीडिया, वो इतनी पूरी तरीके से बिक गई है कि जितनी सरकार चाहती है उतना है ये लोग बोलते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कम सही बात सही जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। और हम लोग भी अगर वाइट भी देते हैं तो आप छोटे छोटे चैनलों को देते हैं, बड़े चैनलों से हम लोग बात ही नहीं करते हैं। और हम तो विशेष तौर पर अपनी पार्टी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के वर्करों से भी ये बात कह दी है कि भाई ठीक है, जब ये बात तोड़ मरोड़ के छापते हैं, कहीं पे एट्रोसिटी हो जाती है, वहाँ पे जो सही बात है वो नहीं दिखाए जाते, फर्जी मुकदमे एक दिन में चार चार मुकदमे लिखे जाते हैं। आप एक बताइए, एक आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में जो लखनऊ में डीजीपी ऑफिस है वहाँ जाता है अपनी फरियाद को लेके, उसका सीसी कैमरा है वहाँ पास बना है, उस आदमी को दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे घटना हुई है और घटना ये जो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है फर्जी घटना हुई है और उसकी चार्जशीट भी लग जाती है। सोचिए कितनी विडम्बना की बात है। एक आदमी वहाँ लखनऊ में बैठा है, उस सीसी कैमरे में है, उसका डीजीपी कार्यालय में बाकायदा रिसेप्शन पे पास बना है और उस आदमी को भी मुलजिम बना दिया जाता है। अब मुलजिम बना के उसके ऊपर फर्जी गैंगस्टर लगाई जाती है, उनकी 41 की कार्रवाई करके उनकी सारी संपत्ति को क्रूक किया जाता है। और ये मालूम है, सरकार को भी मालूम है, वहाँ के प्रशासन को भी मालूम है कि जो उनकी पैतृक ज़मीनें हैं उनको भी उन्होंने बता दिया कि ये फर्जी तरीके से ज़मीनें जो हैं फर्जी संपत्ति अर्जित की गई, उसको सरकार ने पूरी तरीके से कुर कर लिया। ये पूरी तानाशाही सरकार है। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक जुडिशियल की बात है, इस समय जो है जजमेंट नहीं होते हैं, केवल आर्डर पास होते हैं। तो इस समय पूरे देश के अंदर जो है बड़ी स्थिति भयावह बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं किस तरह से जब इलेक्शन आता है कि इसको दूसरे तरीके से ले जाते हैं, अब इनके पास कोई मुद्दा उद्दा नहीं बचा है। हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के चैनल के माध्यम, चूँकि सिस्टम ख़राब हो गया है, अब धीरे धीरे चैनलों के माध्यम से जनता तक बात पहुँचाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एक दिन बदलाव आएगा। सर, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अभी जितने भी भक्त लोग हैं लगातार इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, कमेंट लिखते हैं, लगातार किसी भी, चाहे राणा अयूब खान हो, उसको रेप करने तक की बात बोल देते हैं, लेकिन वही ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर के 2018 के ट्वीट को दिखाया जाता है। बालाजी राम भक्त है, वो हनीमून होटल को हनुमान होटल जो बदल दिया गया है वो तो एक फिल्म भी बनी गई है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? जो पुराने टाइम में वो मूवी बन चुकी है, किसी से ना कहना, लेकिन कार्रवाई जुबैर पे हो जाती है। देखिए, मैंने आपको एक ही बात बता दी है कि ये लोग जो है किस तरह से हिंदुत्व की भावनाओं को भड़काकर सरकार शासन सत्ता हासिल करते हैं। उनका कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है, अपने आप नाते रिश्तेदारी करते हैं, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको असली हिंदू बनाकर उनका मुसलमानों को डर दिखाते हैं और उनको जो है कहते हैं कि अगर यहाँ इस देश के अंदर तुम लोग एकजुट ना हुए और तो मुस्लिम राज हो जाएगा। तो ये उनके सोची समझी साजिश है, आप लोग सब जानते हैं। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूँगा कि इसको आप लोग भी अपने चैनलों के माध्यम से जहाँ जहाँ जाइए तो इस चीज़ को आप लोग उजागर करिए। सर, हिंदू संकल्प मार्च निकलता है आरएसएस की तरफ से और उसमें वहाँ सारे युवा इकट्ठे होते हैं, लगातार जो है उदयपुर की घटना की भर्त्सना करते हैं, लगातार सभी पूरा देश जो है भर्त्सना कर रहा है, लेकिन वो जब निकल के सच्चाई आती है तो वो तो भाजपा के साथ ही उनकी फ़ोटो निकलती है, भाजपा के चीफ जो है वो निकलते हैं, आईटी सेल के चीफ निकलते हैं लश्करे तैयबा वाले, और फिर जो है अंसारी जो अटारी पकड़ा गया है उसकी भी जो है गुलाब चंद कटारिया के साथ फ़ोटो निकलती है, उस सब पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से ये लोग जो हैं, एक इन्होंने अपनी टीम बना रखी है कि कहीं पे एट्रोसिटी हो या करनी हो तो अपने ही वर्करों को भेज देते हैं और अपने वर्करों को भेज के उनको भेस बदल कर और वहाँ पे ये जो है उसका रंग दूसरा कर देते हैं। तो ये कोई नई बात इनके लिए नहीं, ये इस तरह से लोग जो है करते रहते हैं, धीरे धीरे पूरे देश की जनता एससी एसटी युवा जो है लगातार ऐसी संकल्प मार्च में आते हैं, उनको भटके हुए युवाओं को हम कैसे लेकर आएंगे सर? देखिए, जो एससी एसटी के जो युवा हैं वो अभी पूरी तरीके से जो देश का स्ट्रक्चर है, जो पुरानी व्यवस्था है, वो उसमें पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। जो मनुवादी व्यवस्था है देश के अंदर, जो मनुवादी व्यवस्था है उसमें वो पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि उस व्यवस्था से उन युवाओं को समझा के निकालना,
अंबेडकरवादी व्यवस्था, इंसानियत और मानवतावादी व्यवस्था उनके अंदर डालना अब धीरे धीरे युवा पीढ़ी समझ रही है। आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले जो व्यवस्था थी वो अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और युवा अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, असली हिंदू समझ रहे हैं, जबकि उनकी जगह जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार इस देश में रखी गई है वो केवल शूद्र हैं। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हमारी स्थिति जो है वो इस देश में केवल हमारा जन्म ही दूसरों को सेवा करने के लिए पे हुआ है। जातिगत जनगणना की बात करें तो ये कोई भी नेता सामने आके बोलते नहीं है, जातिगत जनगणना पे मुंह और मुखबंद क्यों हो जाते हैं सर? देखिए, हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ था तो वो श्री अखिलेश यादव के साथ में हमने चुनावी गठबंधन किया था। उसके बाद चुनाव हम नहीं लड़े लेकिन मैंने पूरी तरीके से उनका समर्थन किया था और समर्थन मात्र इसलिए किया था कि कुछ हमारी शर्तें थीं कि जाति उसमें जाति जनगणना का भी मुद्दा पूरी तरीके से उसमें लागू था कि अगर हमारी सरकार उधर बन जाती उत्तर प्रदेश के अंदर तो निश्चित तौर पे हम लोग दबाव बना के जाति जनगणना कराते। अगर जाति जनगणना हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति जनगणना नहीं कराएगी। तो सीधे सीधा मतलब वो साजिश के तहत अपना काम कर रही है। जी जी बिल्कुल, अपने साजिश के तहत काम कर रही है। तो हमारे साथ थे राजेश कुमार सिद्धार्थ जी, उनसे हमने तमाम सवालों पे जो मुद्दे थे उन पे बात की, उनसे चर्चा की किस तरीके से देश के हालात हैं, किस तरीके से जो वर्ण व्यवस्था है बनी हुई है लगातार ST ST OBC वर्ग के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको भटकाया जा रहा है लगातार इस तरीके की काम, एक खास पार्टी का काम जो लगातार बन चुका है, लगातार जो युवाओं को भड़काने का काम हो रहा है वो आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से जो है। हमने सभी मुद्दों पर उनसे चर्चा की, क्या कुछ मुद्दे रहे हमारे देश में, किस तरीके से वर्ण व्यवस्था, जातिगत जनगणना हो, लगातार जिस तरीके से ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर हो, उनको गिरफ्तारी और लगातार उन पे जो है FIR पे FIR हो जा रही हैं, लेकिन उनके समर्थन में जो हैं जो लोग हैं वो आ रहे हैं और बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, क्योंकि एक सच्चाई और सच को दिखाने वाला जो है जुबैर थे जिन्होंने सच्चाई दिखाई और सरकार से सवाल करने की हिम्मत जुटाई। लेकिन आप देखिए सच्चाई और हकीकत दिखाने का क्या सिला मिलता है, आखिर जो सरकार से सवाल करता है उसी पर शिकंजा कस दिया जाता है, उसी को जेलों में ठूस दिया जाता है। किस तरीके से जो तमाम हमारे देश में ये माहौल बना हुआ है गर्मा गर्मी का, किस तरीके से लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है आप देख सकते हैं। उसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, चंद्र मंत्र, दिल्ली।